और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने जब कंस को मारा था तो मारने के बाद वो यहीं पे आके विश्राम किए थे कुछ दिनों के लिए, और यही इसी नदी में वो नहाते भी थे, यहीं पे आके वो कुछ दिनों के लिए रुके थे, तो इसीलिए इस जगह का नाम जो है वो। तो भैया अभी इतनी बारिश हुई है कि आप सामने देखो कितनी पानी लगी हुई है। हम लोग वेट कर रहे थे पिछले आधे घंटे से कि पानी कम हो, बट पानी कम नहीं हो रही थी। अब देखो क्या हाल है। तो सौरभ भाई कैसा लग रहा है? अरे ये तो मजा आ जाएगा, ये तो हमेशा के लिए यादगार ट्रिप, हमेशा के लिए ट्रिप याद रहेगा हम लोगों को। तो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो दर्शन था वो पूरा कर लिए हैं, और वहाँ पे नाश्ता वास्ता कर लेने के बाद अभी हम लोग निकल चुके हैं द्वारिकाधीश और विश्राम घाट के लिए। अभी हम लोग पहले जाएंगे द्वारिकाधीश, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे विश्राम घाट की ओर। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पे आके हम लोगों को काफी अच्छा लगा और काफी अच्छा महसूस हुआ, और काफी अच्छी जगह है वो। आप चाहो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, आपको यहाँ पे आके दर्शन करके काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं। पहुंच गए हैं द्वारिकाधीश मंदिर के पास, और तो चलिए दर्शन करते हैं और ब्लॉग में बने रहे। थैंक यू। तो अभी हम लोग जा रहे थे विश्राम घाट की ओर, और रास्ते में ही हमें द्वारिकाधीश मंदिर मिली, और मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग द्वारिकाधीश मंदिर भी जाएंगे। तो मैं यहाँ पे चला आया, ये इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है बाहर से कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये वो एंट्रेंस गेट है और इसी के थ्रू हम लोग अंदर जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, और ये आप देखो कितना ब्यूटीफुल है। आप ये जो कंस्ट्रक्शन है मंदिर का वो कितना ब्यूटीफुल है, आपको देख के मतलब दिल प्रसन्न हो जाएगा। मैं जब इसके अंदर आया था ना तो मेरा मन जैसे लग रहा था कि मतलब मैं काफ़ी खुश था अंदर आके। तो चलिए आपको अंदर में जो भगवान की प्रतिमा है वो दिखाते हैं। काफ़ी सुंदर बनावट है इस मंदिर की, और आपको यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगेगा, और काफ़ी अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है। तो चलिए आपको भगवान की जो हैं वो दर्शन कराते हैं। तो ये हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान हैं, और मैं जब गया था तभी उनका दर्शन का टाइम था। आप ये देखो कितने सुंदर भगवान हमारे लग रहे हैं, और ये देखो कितना अच्छे तरीके से इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो की गई है। तो A few moments later. तो अभी हम लोगों ने भगवान का दर्शन कंप्लीट कर लिया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं विश्राम घाट की ओर। और ये जो आप देख रहे हो, ये सामने जो आपको रोड दिख रही है, यहीं से 200-300 मीटर आप जब जाओगे तो विश्राम घाट आता है, और ये यहाँ की लोकल मार्केट है। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे काफ़ी सामान सब जो है वो बिकती है, और लोग यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पहले विश्राम घाट की ओर। आप ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विश्राम घाट। तो चलिए चलते हैं। मैं आपको विश्राम घाट के बारे में कुछ बता दूँ कि कहा जाता है कि भगवान ने जब कंस का वध किया था तो कंस को मारने के बाद वो यहीं पर आके विश्राम किए थे, रुके थे कुछ दिनों के लिए। तो भगवान ने इसी जगह पे विश्राम किया था, और बगल में ही यमुना नदी बहती है, वहीं पे वो नहाते भी थे। तो चलिए अभी आपको हम वहाँ पे लेके चलते हैं। सो हेलो एवरीवन, फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं विश्राम घाट के पास में, और यहाँ के बगल से ही एक यमुना जी बहती है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये जो आप देख रहे हो यही वो यमुना नदी है जो कि विश्राम घाट के बगल से बहती है, और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने जब कंस को मारा था तो मारने के बाद वो यहीं पे आके विश्राम किए थे कुछ दिनों के लिए, और यहीं इसी नदी में वो नहाते भी थे, यहीं पे आके वो कुछ दिनों के लिए रुके थे। तो इसीलिए इस जगह का नाम जो है वो विश्राम घाट पड़ा था, चूँकि भगवान यहाँ पर आके थोड़ी दिनों के लिए विश्राम किए थे कंस को मारने के बाद। और यहाँ पर लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, और यहाँ पे आके वो यमुना जी की पूजा, और साथ में बहुत से लोग यहाँ पे स्नान भी करते हैं। काफी अच्छी जगह है ये, और काफी ब्यूटीफुल नजारा है इधर का। दोनों साइड किनारे हैं, और यमुना जी बहती है इधर से, और यहाँ पे बोटिंग भी होती है। A few moments later. और अभी बारिश चालू हो गई है। तो भैया अभी इतनी बारिश हुई है कि आप सामने देखो कितनी पानी लगी हुई है, और ये सारी पानी वापस से यमुना जी में जाएगी, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना यमुना जी है वहाँ जा रही है। और अभी थोड़ी बहुत पानी कम भी हुई है,
हम लोग वेट कर रहे थे पिछले आधे घंटे से कि पानी कम हो कम हो कम हो, बट पानी कम नहीं हो रही थी। अब देखो क्या हाल है। पूरे आधे घंटे से हम लोग वेट कर रहे थे कि अभी पानी कम होगी, अभी पानी कम होगी, बट पानी कम नहीं हुई है। ये सारी पानी यमुना जी में जाएगी। ये आप देखो सौरभ भाई भी आ रहे हैं उधर से। मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले आधे घंटे से हम लोग वेट कर रहे थे कि अब पानी कम होगी, अब पानी कम होगी, हम लोग वापस जाएंगे, बट पानी कम ही नहीं हो रही थी तो हम लोग निकल गए। सौरभ भाई कैसा लग रहा है? अरे ये तो मजा आ जाएगा, ये तो हमेशा हमेशा के लिए यादगार ट्रिप बन गया है। कैसे जैसे हम लोग यहाँ से विश्राम घाट से पैदल गए थे। पानी की आवाज इतनी तेज है कि आप लोग हमारी आवाज नहीं सुन सकते हो, बट सौरभ भाई ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमेशा के लिए ट्रिप याद रहेगा हम लोगों को। और ये सारी पानी यमुना जी में जा रही है। हम लोग करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा क्योंकि आपको दिखाया था कि बारिश कितनी हो रही है, और बारिश होने की वजह से यहाँ पे पूरा पानी पानी सा लग गया था। कोई भी ऑटो वाला जाने के लिए तैयार नहीं था, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। हम लोग पैदल चलने के लिए तैयार हुए और निकल गए। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, फिर वहां से ऑटो या रिक्शा जो कुछ भी मिलेगी हम लोग लेके जाएंगे राधा कुंड और वहां पे देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग स्टे करेंगे। तो चलिए मिलते हैं सीधे राधा कुंड में। थैंक यू।